व्यूअर्स, आज हम आपको जो है मैंगो डिलाइट बनाना सिखाएंगे। मैंगो डिलाइट में मुझे जो है वो 3 से 4 अदद जो है वो मैंगो चाहिए, और उसके अलावा मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। मिल्क शेक जो है उसका मैंने थिक सा बनाना है। चीनी चाहिए होगी 6 से 7 चम्मच, और मिल्क व क्रीम चाहिए। मैंगो को हम छील के जो है वो इस तरह छोटे छोटे पीसीस में काटेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे जो है वो हम इसके जो है वो छिलके उतार लेंगे, पतले पतले, बिल्कुल लाइट सा पतला सा इसका छिलका हमने उतारना है। आप इससे भी उतार सकते हैं और दूसरे से भी। हाँ जी, ये मैंने इसके जो है वो छिलके उतार लिए आम के, और अब ये इसको जो है वो पीसीस में काट, पीसीस में काटने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको जो है वो बिल्कुल इक्वल और जो है वो स्क्वेयर शेप में आप इसे काटते जाएं और इसे जो है वो रखते जाएं इसमें। इसी तरह से मैं यहाँ से काटूंगी, ठीक है ना। छिलका बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि छिलके से जो है वो इसमें जो है वो मुंह में अच्छा जायका नहीं आता। और ये जो ऐसा है आपके पास मीठा बनेगा, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ हम नहीं डालेंगे, ठीक है। कोई जेली शैली कुछ भी नहीं डाल रहे। ये इसी तरह से मैं मैंगो के साथ आपको बना के दिखाऊंगी, कि जो मैंगो लवर्स हैं उनको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह हम ये छिलके उतार के 1 या 1.5 जो है वो मैंगो का जो है वो शेक बना लेंगे। ये थिक सा शेक होगा, ठीक है। थिक हम शेक बनाएंगे इसमें। इसमें मैं छोटे छोटे करके इसको फिर मैं इसी तरह से वो डालती हूँ ताकि ईजीली वो हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह ये ऐसे करके, और इसमें चीनी डालनी है और तकरीबन 1 लीटर सिर्फ दूध डालूंगी, ज़्यादा नहीं होगा, उससे वो थिक सा बनेगा। आप चाहें तो इसमें जो है वो मिल्क पैक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा थिक हमारे में नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैं नहीं डालती। वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूध ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, और चीनी जो है वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। चीनी इसमें मैं डाल दूँगी पहले 3 to 4 चम्मच जो है वो मैं इसमें डालूंगी, अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करूंगी। ये देखिए कितना थिक सा हमारा बना है, ये देखिए काफ़ी थिक सा हमारा, जैसे मिल्क शेक होता है वैसे नहीं है, ये उससे ज़्यादा गाढ़ा बना है। अब मैं इसी में इसमें ये ऐड करूंगी। ये देखें हमने उसको रख दिया, कोई आर्टिफिशियल चीज़ जैसे जेली मतलब कोई भी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की है। ये बिल्कुल ओरिजिनल सा है, और मेहमानों के लिए ख़ास तौर पे जब आपके सालगिरह होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं तो आप ये बहुत पसंद किया जाता है। ये इसके साथ जो है वो हम इसको कर लेते हैं सेटिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर से भी हम इसमें कुछ सेटिंग कर लेते हैं। हम जो है वो सारा वो साफ़ कर लेंगे। ये तकरीबन 5 to 6 बंदों की जो है वो आपको बन सकती है सर्विंग, इजीली आपकी हो सकती है। और इसके बाद मैं अब इसमें सिर्फ जो है मिल्क पैक की क्रीम की वो सेटिंग करूँगी, ताकि वो डेकोरेट करूँगी उससे। स्टोव नहीं होती, ओके। ये अब हम मैंने आइसक्रीम के साथ इसकी, सॉरी, मिल्क पैक क्रीम के साथ ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी। अब अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, और इसे फ्रीज़र में आप रख दें, हाफ एन आवर के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप सर्विंग के लिए सुबह बना लें, शाम को सर्व करें, मेहमानों ने आना हो, या आपकी बर्थडे पार्टीज़ हो, या रमज़ान की अफ्तारी हो, आपको इससे ज़्यादा अच्छा डिलीशियस और हेल्दी जो है वो डिलाइट कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। टेस्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।